हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ। आप सभी का एक बार फिर से सनोवर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों में शेयर करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7900688786। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दे रखा है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या की कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो, 307 से विभाजित करा रही है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी कितनी होगी चार अंकों की? 4×9 लिखा। इसमें जुड़वा रहे हैं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जुड़ जाए ताकि विभाजित हो जाए। तो 307 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 3 बार कटेगा। 3×7=21 और 3×3=9। यहाँ से कितना बचेगा आपका? 8। यहाँ कितना बचा? 7। उतार लेंगे 9। ठीक है, अब फिर इसे भाग करेंगे तो कितनी बार? ये 2 बार। अब यहाँ हम 2 बार में उसमें जोड़ने की बात करिए, कितना जोड़ा जाए। तो देखो, सही भाग जो करेंगे हम 2 बार करेंगे, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा बार पढ़ना पड़ लेंगे। कितनी बार? एक एक्स्ट्रा बार। 2 के बजाय 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 921। ठीक है, अब इसमें से उल्टा घटा दो, ये माइनस कर दो बस। तो 11 में से 9 घटाए कितना बचेगा? 11 में से 9 घटाए तो कितना बचा? 2। यहाँ पर भी कितना बचा? 1। और 11 में से 8 घटाए तो कितना बचेगा? 3। तो कितना आ गया? 32। यही क्या होगा आपका आंसर। इसमें अगर हम 32 जोड़ देंगे 9999 में, तो पूरा का पूरा 307 से विभाजित होगा। ठीक, n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? 39। अब किसे विभाजित कर रहे हैं? इसमें n को विभाजित कर रहे हैं तो 5 से विभाजित कर रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा? 2 बच रहा। तो n का मान जो आ जाएगा, तो जिस संख्या से विभाजित कर रहे हैं उसमें अगर मैं शेषफल छोड़ दूंगा तो n का मान निकल कर आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? 7। उसने कहा n स्क्वायर को आप जो 5 से विभाजित करो तब शेषफल बताओ। तो n का मान कितना आ गया? 7 है, तो n की जगह रख देंगे अपने 7। इसका करेंगे स्क्वायर, 7×7 कितना हो गया? 49। इसे 5 से भाग करा रहे हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 5×9=45। तो शेष कितना बचेगा यहाँ से? 4। शेष कितना बचा? 4। ये 5 से जब 49 को भाग करोगे तो शेषफल आपका 4 बचेगा। ओके, अब देखो आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लो। देखो, अगर मैं आप लोग यह वाली संख्या जो यहाँ पर मान लो 3 से मैं भाग दे रही हूँ किसी संख्या को, ये 15 को भाग दे रही हूँ, 16 को भाग दे रही हूँ एग्जाम्पल, तो 3×5 कितना आएगा? 15। ठीक है, शेष पर नीचे कितना बचेगा? ये तो ये जो 3 है ये कहलाता है आपका भाजक। जिससे भाग दी जाती है वो कहलाता है भाजक, जिस अंक को भाग दी जाएगी तो वो कहलाता है आपका भाज्य। ठीक है, और जो कुछ यहाँ आता है ये कहलाता है भागफल। सभी को पता होगा ज्यादातर अधिकतर। और ये क्या होता है जो नीचे बचता है? ये होता है आपका शेषफल। ठीक, तो अगर मैं भाजक भाज्य बराबर लिखता हूं, भाज्य बराबर, तो क्या करना पड़ेगा? भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस का शेषफल। भाई शांत रहो, शेषफल। अब देखो भाज्य, अब मैं इसी से मैं चेक करना चाहता हूँ ये अंक बराबर बैठेगा नहीं। देखो भाजक क्या है आपका? 3 है, भागफल कितना आपका? 5 है, और प्लस का निशान और शेषफल कितना बचा आपका? 1। तो 5×3=15 और प्लस का 15 और 1 कितना हो गया? 16। ठीक है नहीं, तो आपको कभी भी कभी कभी ऐसा होता है भाजक और भाज्य और शेषफल दिया जाता है तो भागफल पूछ लेगा, या भाज्य भागफल और शेषफल देगा तो भाजक पूछ लेगा। कहने का मतलब यह है इसमें से 3 चीजें दे देगा, 1 चीज पूछ लेगा, कभी कभी एक ही चीज दे देगा और उस पर आधारित प्रश्न बना देगा। ठीक है नहीं, आइए देखते 40वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? देखो 40वां सवाल,
भाग किसे दी जा रही है, 36 से भाग दी जा रही है, तो संख्या निकल आएगी। संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, जिस संख्या से भाग दी जा रही है अर्थात भाजक, इसमें अगर मैं शेषफल जोड़ दूंगा, शेषफल कितना है 19, तो ये संख्या बन जाती है। कितना आ गया आपका, 9 और 6 कितना हो गया 15, 4 और 1 5, 55 हो गया। अब इसे भाग दे रहे हो कि 12 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा, तो 12 से भाग दोगे तो 1248 कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, है ना। देखो 1248 कितना बचा, 15 में से 8 घटाए 7, ये शेषफल बचा, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक हाई 41 देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या जिसे चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो क्या है। तो आइए देखते, देखो ये 38 की तरह बिल्कुल जैसे 38 सवाल है ना, अंक बदले गए बस, किससे भाग दे रहे हैं इसमें 345 से, चार अंकों की बात कर रहे हैं तो चार अंक कितने 9, 4 बार बराबर 9। देखो जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, मान लो 2 अंकों की पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 बार 9 बना लेंगे, 5 अंकों की पूछेगा तो 5 बार 9 बना लेंगे, ठीक है। छोटी पूछते तो 1 बनाकर उतने 0 लगा लेते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कितना जोड़ दें ताकि 345 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, इससे भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा ये 2 बार, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, घटाओगे कितना बचेगा 9, 0 यहाँ से कितना बचा 3, उतार लेंगे 9। अब ये जो पढ़ा था अपने तो कितनी बार आएगा पढ़ा, 8 3 24 लगभग 8 बार, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा बार पढ़ेंगे इसमें पढ़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा बार इसमें जितना भी वो बाद में बचेगा तो वो उसमें जोड़ देंगे। अगर हम सरलता जैसे करते हैं भाग ऐसे करेंगे तो शेषफल क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक। तो हम कितनी बार पढ़ रहे हैं इसे 9 बार पढ़ लो, तो 9 पंजे 45, 5 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, 9 3 27, 4 31, एक बार एक्स्ट्रा पड़ गया, तो इसलिए इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, नीचे वाले में से ऊपर वाले माइनस कर दो, जो कुछ बचेगा शेष पर तो वो क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, जो जोड़ का संख्या आएगी वो 345 से विभाजित हो जाएगी। 15 में से 9 घटाए कितने बचेंगे 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 0, 0 में 0 0, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा, यही क्या आ गया आपका आंसर आएगा। 6 किसमें जोड़ना पड़ेगा 9999, पूरी संख्या कितनी हो जाएगी फिर, जो भी आएगा वही आंसर। तो फिलहाल कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 6, ठीक है नहीं। अब देखो 42 है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है और उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर बताओ। 42 में की बात हो रही है, उसने जो लिखना कितना था 36 से भाग देने थी, लेकिन भाग किससे दे दी थी उसने 63 से, जब 63 से भाग दी तो उसका जो भागफल आता है मतलब उत्तर जो आता है वो कितना आता है 24 आता है, कितना आता है 24, ठीक भाई। मान लो ये 5 से भाग देंगे इस वाले संख्या को, तो ये वाला जो है ये आपका भाजक है, ठीक, और यहाँ जितने भी आएगा एक इसकी में क्या करते थे गुणा कर देंगे, अगर मान लो यहाँ पर 15 होता तो 5 3 15, तो 3 की इसकी गुणा करेंगे तब संख्या बनकर आ जाएगी 15, ठीक है। तो 63 से भाग दी थी, भागफल कितना आया, ये उत्तर कितना आया था 24 आया था, तो वो संख्या हमारे निकल गई। उसने कहा भाग जो देनी थी वो देनी थी ना भाग 36 से, तो भाग 36 से दे दो इसे 3 6 काट लो इसे, देखो 9 7 63, 9 4 36, 4 6 24, 7 6 42, तो सही उत्तर कितना आएगा आपका 42 आएगा आंसर। संख्या पूछता है तो 63 गुणा 24 यही हो जाती है। देखो 43 क्वेश्चन, देखो विभाजक एक प्रश्न में विभाजक विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। 43 देखो भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणा भागफल, ये होता है, ठीक है नहीं। इसमें कह दिया उसने कि शेषफल जो है, शेषफल कितना है इसमें, शेषफल है 36 और भाजक जो है शेषफल का
विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का कितना 5 गुना, तो ये 36 गुना कितना हो गया 5 हो गया। और भागफल का जो है कितना गुना है 12। तो अगर मैं भागफल की बात करूंगा, भागफल तो ये जो है कितना है 36 गुना 5, भाजक का कितना 12 गुना, तो 12 से क्या करेंगे भाग, तो 12 थी 36 थी 15, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये प्लस में इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है नहीं, इसमें आप गुणा कर लोगे जो कुछ आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा 36 जोड़ देंगे। देखो 5 छह कितना हो गया 20, और 5 थी 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, और गुणा में कितना लिख देंगे आप 15, ठीक है, प्लस का 36। ठीक, समझ में आ रहा नहीं? अब इसे हम गुणा करें, इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 8 120, हासिल कितना 12, 15 कम 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27, और प्लस के इसमें जोड़ देंगे 36, तो ये कितना हो गया 2736। ये क्या हो गया आपका भाज्य अर्थात आंसर, भाज्य पूछा। ठीक है नहीं?